गोरखपुर विश्वविद्यालय में उस समय आनंद फानन का माहौल सामने आ गया जब बीएससी के गणित प्रथम वर्ष के पेपर लीक होने की सूचना सोशल मीडिया और अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से मिली। सूचना मिलते ही मंगलवार को विश्वविद्यालय पर छात्रों ने जमकर हंगामा काटा। विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ और लचर परीक्षा प्रणाली के विरोध में छात्रों ने प्रशासनिक भवन का घेराव किया, जम के नारेबाजियां की और परीक्षा नियंत्रक के निलंबन की मांग को लेकर डटे रहे। हम अपने दर्शकों को बताते चले कि मंगलवार की सुबह पहली पारी में बीएससी द्वितीय वर्ष की गणित की परीक्षा होने वाली थी जिसका प्रथम प्रश्न पत्र लीक हो गया और अगर विश्वविद्यालय प्रशासन की माने तो एहतियात के तौर पर मंगलवार को ही होने वाली द्वितीय पाली में बीए प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र के परीक्षा को भी निरस्त कर दिया गया। दोनों परीक्षाओं के निरस्त होने पर विश्वविद्यालय के छात्रों ने कुलपति के कार्यालय पर पहुंचकर जम के नारेबाजियां की। आक्रोशित छात्रों को समझाने के लिए लगातार चीफ प्रॉक्टर गोपाल प्रसाद और प्रति कुलपति प्रोफेसर एस के दीक्षित मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ कैंट भी मौके पर मौजूद रहे। विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली की इस व्यवस्था के बारे में छात्र नेता शिवशंकर गौड़ ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपनी मांगों को रखा और कहा, अरे सर आप कोई सी बात नहीं बोली बात है ये आप किस तरह का बात कर रहे हैं आप किस तरह का बात कर रहे हैं हर आपको मन में सबसे पहले आपने सबसे बात हो रही है ताकि न्यूज़ के भीड़ चले तो बता जितने न्यूज़ वाले हो तो बता रहे हैं आप लोग मान रहे नहीं मान रहे नहीं पता अगर पेपर लीक हुआ है तो जब तक जांच नहीं होती है तब तक परीक्षा नियंत्रक को बर्खास्त किया जाए इसके अलावा हम लोग की कोई मांगे आप क्या बात सुनेंगे सुन लीजिए लिखित रूप में दे दीजिए जब तक जांच चल रही है परीक्षा नियंत्रक अगले पद से हट जाए तब तक सुनेंगे तो बोलिएगा नहीं बोलिएगा सर बोलिए वर्किंग डे के दिन भी अपने ऑफिस में बैठे नहीं है बीएससी फर्स्ट ईयर और बीए सेकेंड ईयर समाजशास्त्र का पेपर नकल माफिया और परीक्षा नियंत्रण विश्वविद्यालय प्रशासन के साठगांठ के कारण निरस्त कर दिया गया है लीक हो गया है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ सरकार से भी और गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन से भी कि बार बार प्रशासन कह रही थी कि हम नकल विहीन परीक्षा कराएंगे लेकिन ए परीक्षा नियंत्रक महोदय ए कुलपति जी ए उच्च पद पे बैठे हुए अधिकारीगण आपका परीक्षा विहीन यही है कि आप पेपर लीक कर देते हैं तत्काल इस्तीफा दीजिए और विश्वविद्यालय प्रशासन माफी मांगे बच्चों। मामले को तूल पकड़ता देख कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने छात्रों को समझाते हुए उन्हें ढाढ़स दिया और धीरज रखने को कहा। उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए सुबह ही उच्च स्तरीय टीम गठित कर दी गई है, जल्द ही सारा का सारा मामला सामने आ जाएगा और आगामी 19 अप्रैल को ये सूचना दी जाएगी कि ये जो परीक्षा निलंबित हुई है निरस्त हुई है ये कब कराई जाएगी। उधर जब इस संजीदा मामले की पड़ताल करने के लिए गोरखपुर न्यूज ने प्रति कुलपति एस के दीक्षित से बात करनी चाही तो वो पहले तो असहज महसूस किए लेकिन किसी तरह फिर अपनी बातों को रखते हुए
कहा कि गणित की परीक्षा निरस्त हुई है और एहतियात के तौर पर द्वितीय पाली में होने वाली समाजशास्त्र की परीक्षा को विश्वविद्यालय की ओर से निरस्त किया गया है। इस संदर्भ में आगे जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, निरस्त हुई है, जरा इसके बारे में बता दीजिए। क्यों क्यों की गई है पेपर लीक होने की बात आई तो सावधानी के तौर पर किया गया है, इसी प्रकार घटना हो अगर कहीं ये परसेंट भी कोई गड़बड़ी इस प्रकार की आई उसको जांच की जाएगी। छात्रों का सीधा आरोप है कि पेपर लीक हो गया है, दो दो विषयों का लीक हो गया है, हजारों विद्यार्थी इससे प्रभावित हुए हैं। पेपर लीक हुआ है जी, एक को जो है सावधानी के रूप में डाला गया है। ठीक है, किसका लीक हुआ आप मान रहे हैं किसको? मैथमेटिक्स। हम आपको बताते चले कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध कुल 305 महाविद्यालय हैं, जिसमें मंगलवार को ये परीक्षा होनी थी। परीक्षा में कुल 6000 विद्यार्थी सम्मिलित होने वाले थे, लेकिन विश्वविद्यालय की प्रशासनिक लापरवाही से ये विद्यार्थी केंद्र पर पहुंचकर मायूस लौट गए।